स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में हमने कल और परसों दो दिन हमने वैदिक गणित की सहायता से योग फल और व्यवकलन पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुणा। वैदिक विधि के अंदर, वैदिक गणित के अंदर कुछ प्रकार के गुणा दिए हुए हैं जो आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, गुणा की हमारे पास कुछ विधियां हैं जो निम्न प्रकार से हैं। गुणा करने की विधि पहली है एकाधिकेम पूर्वेण। एकाधिकेम पूर्वेण, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से देखें। दो संख्या लेते हैं हम, 13 × 17 एग्जाम्पल ले रहे हैं ये हम। इसी तरह से एक लेते हैं हम लोग 12 × 18। इसी तरह से एक और लेते हैं 31 × 37। इसके मैंने गोला क्यों लगाया है अभी देखना। सबसे पहले यहां देखें 13 × 17, इसमें आपको इकाई अंक, दोनों संख्याओं के इकाई अंक दिए। एकाधिकेम पूर्वेण में दो संख्याओं का ही गुणा होता है, तीन संख्याओं का नहीं, केवल दो संख्याओं का ही। तो इसमें दोनों संख्याओं का इकाई अंक देखा जाता और इन दोनों इकाई अंकों को जोड़ना पड़ता है। जोड़ने पर या तो 10 आना चाहिए, या दो दो अंकों को जोड़ रहे हो तो 100 आना चाहिए, या इस तरह से तीन को जोड़ रहे हो तो 1000 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इकाई अंक को जोड़ने पर 10 आ रहा है तो ही एकाधिकेम पूर्वेण द्वारा गुणा हल होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहां देखते हैं, 7 में हमने 3 जोड़ा, 10 हो गया। उसके बाद में दूसरी शर्त ये होती है कि ये जो शेष बची हुई अंक है ना दोनों में, या संख्या बच रही है या अंक बच रहा है, ये समान होना चाहिए। जैसे 1 इसमें है तो 1 इसमें होना चाहिए। अब इधर देखिए, जैसे कई बार हम ये ले लेते हैं 27 × 13। आपने यहाँ पे 7 और 3 का योग तो 10 कर लिया, लेकिन उसके बाद में 2 और 1 को देखते हैं तो ये समान नहीं है, तो ये एकाधिकेम विधि से गुणा नहीं होगा। देखते हैं 12 और 18 को। 12 और 18 अच्छी तरह से देखें, इसमें 8 और 2 का योग करते हैं तो 10 आ रहा है, और शेष जो भी संख्या बच रही है यहाँ देखो, या अंक बच रहा है, तो वो दोनों समान होने चाहिए, तब ये एकाधिकेम पूर्वेण द्वारा होगा। इसी तरह से नीचे देखते हैं हम। अब इसमें महत्वपूर्ण है, ये ध्यान से देखें इसको, 7 और 1 यहाँ पे 8 ही हो रहा है, जबकि ये अंक समान है, तो इसे समान, और यहाँ पे देखो इनका योग 10 नहीं हो रहा है, तो ये वैदिक गणित में एकाधिकेम पूर्वेण से नहीं होगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे पहले इन दोनों को हल करके देखते हैं सबसे पहले। अब इसमें क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आपको दोबारा देखिए, सबसे पहले इकाई अंक का योग करके देखेंगे, योग 10 होना चाहिए। उसके बाद शेष बचे हुए अंक है वो समान होने चाहिए, जैसे 1 और 1 हो गए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं 7 और 3 = 10 हुआ, 1 और 1 समान है। अब यहाँ पे एकाधिकेम विधि से हल करेंगे तो हल लगा के ये जो समान अंक है ना 1, इसको 1 अधिक से गुणा करवाते हैं। 1 अधिक से 1 के बाद में अगली संख्या कौन सी आती है, 2, तो 1 × 2 करवा दो। ओब्लिक लगाइए, ओब्लिक लगाने के बाद में जो बचे हुए अंक है ना, जैसे ये 3 और इधर 7 बच गया, तो 3 × 7। इस तरह से हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखना, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, ओब्लिक 7 को 3 से गुणा किया तो 21। अब यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखेंगे तो हमारे पास आया 7 21 हुआ। यहाँ पे 1 और 1 ये 2 अंक है, तो ये 2 अंकों में होना चाहिए। अगर नहीं है, 2 अंकों में ये नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लगा दें। मान लो हमारे पास गुणा करने पर मान लो ये केवल 1 ही आया, मान लो आया नहीं है,
अब हमें दो अंकों में चाहिए तो आप यहाँ पे शून्य लगाएं और ये 0-1 बनाएं। इसी तरह से कई बार क्या होता है, दो अंक से ज्यादा आता, मान लो 101 आ गया और यहाँ पे अंक कितने हैं, 2 ही, तो हमें केवल दो अंक ही रखने हैं, ये बाकी ये एक इधर आ जाएगा। तो दोबारा देखिए, अब 7 को 3 से गुणा किया तो 21 है, ये एक एक ये दो अंक है, तो यहाँ दो अंकों में होना जरूरी है और लास्ट में हम लोग इसको उतार देंगे 221 और फिर आप लोग इसको इसको साधारण गुणा करके जांच कर सकते हैं। जैसे 17 51 51 का 1 और 17 1 17 17 और 5 22 आपका आंसर सही। इसी तरह से इसको देखते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको क्या मिलाना है, इकाई अंक 8 और 2 का प्लस करके देखना है, तो 8 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 10। इसका मतलब ये हो सकता है एकाधिकरण विधि से। उसके बाद ये शेष अंक बच रहे हैं वो समान होने चाहिए, 1 और 1 यहाँ भी समान है, तो चलो जो समान है उसको लेते हैं 1। इसको अगली संख्या 2 से गुणा करवाएंगे, इस 1 से अगली संख्या को गुणा करो, बाकी बचे हुए अंक है 2 और 8 इनको गुणा करवा देंगे, जो आपने प्लस करके देखा था ना उन दोनों को गुणा करवाना है। उसके बाद में यहाँ पे 1 को 2 से गुणा किया 2 और यहाँ पे 8 दूनी 16 होते हैं, यहाँ पे 1 और 1 ये 2 अंक है, 2 अंकों में होना चाहिए 216। इसी तरह से एक और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखें आप, जैसे 903 लेते हैं, चलो 903 गुणा 997 बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे यदि आपने इकाई अंक को देखा 7 और 3 10 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, आपने देखा इतना ही इकाई अंक को, उसके बाद में ये दोनों अंक है ना 90 और यहाँ पे दोनों अंक है 99, ये समान होने चाहिए वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इधर तो 90 है इधर 99 है, इसका मतलब नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, यहाँ से 97 लेना है, 2 अंक लेने हैं एक साथ और इधर से भी 2 अंक लेने हैं। जब 2 अंक लिए तो उनका योग 100 आना चाहिए, तो 97 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 97 3 कितने होते हैं 100 और उसके बाद में मिलाते हैं 9 और 9 को, तो ये समान है, इसका मतलब ये हमारा पक्का ही एकाधिकरण पूर्वेण विधि से हल हो जाएगा। चलो हल करते हैं, सबसे पहले इसमें समान कौन सा बचा, 9 और 9 बच रहा है, तो 9 गुना अगली संख्या क्या है 10 ओब्लिक लगाइए। उसके बाद में जो बचा हुआ है उसको पूरे को लेना है 0 3 0 3, यहाँ 0 लिखना भी जरूरी है, 0 3 बच गया यहाँ से, 9 तो हमने ले लिया था, 0 3 गुना यहाँ से 97 बच गया। तो बार देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ 97 और 3 उठाया, दोनों का योग किया तो 100, दो दो अंक साथ में उठा रहे हो तो योग 100 आना चाहिए, एक एक अंक उठा रहे हो तो 10 होना चाहिए, लेकिन बचे हुए अंक समान होने चाहिए या बचे हुए अंकों से जो संख्या बनी है वो समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 7 और 3 को उठाया था तो 90 और 99 जो समान नहीं थी, तो हमने 97 ले लिया और 97 में 3 जोड़ा तो 100 हो गया। उसके बाद में 9 और 9 सही आ गया, समान है, तो इनको गुणा कर लो, 10 को 9 से गुणा किया 90। उसके बाद में यहाँ पे 97 को आप 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 21 39 27 29 291 आया, 7 21 39 27 29 291। अब यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान से देखें इस टॉपिक को, यहाँ पे इस गुणनफल को ध्यान से देखें, आपके यहाँ गुणा करने पर 291 आया, लेकिन यहाँ अंक कितने हैं, 1 2 3 4 अंक है, 2 इसमें 2 इसमें 4 हो गए, तो ये 4 अंकों में होना आवश्यक है, 1 2 3 ही है, आप लोगों को शून्य लगाना पड़ेगा और अंत में इस तरह से आप लोग 90 और 0 2 9 1 यानी कि ये ओब्लिक हटा दो और पूरी संख्या लिख दो। इसका मतलब 903 को 997 से हम लोग गुणा करते हैं तो हमारे पास आया 9,00,291। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। हाँ, तो गुणा की दूसरी विधि देखिए, अब एक न्यूनेन पूर्वेण, वैसे एकाधिकेन का अर्थ होता है एक अधिक करना, जैसे 9 का एक अधिक होता है 10 या 10 का एक अधिक होता है 11, इसी तरह से एक न्यूनेन का अर्थ होता है एक कम करना, तो यहाँ पे एक कम करना विशेष तौर से ध्यान रखें, एक न्यूनेन से एक न्यून करना है, एक कम करना है,
इस गुणा की पहचान रहेगी, वो पहचान क्या रहेगी, ध्यान से देखें। इसमें दो संख्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 13 यानी 13, और गुणा यहाँ पे ले लिया मैंने 9 यानी 99। दूसरा ही गुणा वो लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे 24 × 999, दूसरा ये ले लिया। तीसरा मैंने एक को लिया जैसे 5 × 9। ध्यान से देखिए, इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि इसमें एक संख्या है वो 9 डिजिट से बनी हुई संख्या होगी, 9 यानी 9 अंक से। देखो इसमें 9 9 से बनी हुई संख्या है, इसमें भी ये सभी 9 ही 9 होने चाहिए। ये आवश्यक होता है इस विधि में कि एक संख्या चाहे वो पहली हो चाहे दूसरी हो, वो 9 अंक से बनी हुई होना चाहिए, सभी अंक उसमें 9 9 होने चाहिए, 9 ही 9 होने चाहिए। इसमें भी देख लीजिए 9। तो ये विधि आराम से एक न्यूनन विधि से हल हो जाएगी। इस तरह के गुणा है वो एक न्यूनन विधि से हल हो जाएंगी। इसे एक और देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं जिसे 9 × 99। अब यहाँ आप देखोगे तो इसमें तो दोनों ही संख्या 9 9 से बनी हुई है, तो ये तो आसानी से हो जाएगी। हम लोग ये कह रहे हैं आपको कि एक न्यूनन विधि से गुणा में कम से कम एक संख्या 9 डिजिट से बनी हुई होनी चाहिए, 9 अंक से बनी हुई होनी चाहिए। इसमें तो दोनों आगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। अब इसको हल कैसे करना है वो बहुत ही साधन से ध्यान से देखें। जैसे इधर देखिए, सबसे पहले 9 9 वाली संख्या देखें, इसमें 99 है, तो आपको इसका कम करना है, 99 वाले का कम नहीं करना है, जो 9 9 से बनी हुई संख्या है उसका कम नहीं करना है। इसके अलावा जो संख्या है उसका एक कम करना है, एक न्यून करना है। तो 13 में से एक घटा दो, घटा लिया। और उसके बाद में यहाँ पे ये पता लगाना है कि 13 में से एक घटाते हैं तो बचता क्या है, 12। कितना बचा, 12। वो 12 आपको इसमें से घटाना है, यानी 99 में से आगे 12 लिख दो। जैसे इधर देखते हैं, पहले यहाँ पे 24 में से एक कम कर दो, 24 में से एक कम कर दो, और यहाँ पे बचा क्या, 23 बच गया, वो 999 में से 23 घटा दो। उसके बाद में आगे देखते हैं, 5 में से एक कम कर दो, क्या बचा, 4, और वो 4 है वो 9 में से घट जाएगा। इसको बाद में देखते हैं, पहले इन तीनों को समझे। दोबारा देखें, यहाँ पे 13 × 99, 99 वाली संख्या को आपको घटाना नहीं है, 99 वाली संख्या में से कुछ ही नहीं घटाना है। सबसे पहले इसमें से घटेगा एक न्यून, इसमें से होगा 13 में से एक घटाना है। जैसे इसका रिजल्ट 12 आया था, वो 12 इस 99 में से कम करना है, बस इतना ही है। 24 में से एक कम कर दो, 23 बच्चा, वो 23 इसमें से घट जाएगा। चलिए अब रिजल्ट लिखते हैं हम लोग, 13 में से एक घटाया 12 सीधा, और 99 में से 12 घटाना है आपको, वो भी सीधा ही लिखें। जैसे यहाँ पे बच गया हमारे पास 7 और 8, तो ये 1287 इसका उत्तर रहेगा। इसी तरह से 24 में से एक घटाओ 23, और 999 में से वो 23 घटाना है, तो 9 में से 3 निकाला 6, 9 में से 2 निकाला 7, और ये 9 ऐसा कैसे 23,976। इसी तरह से यहाँ देखते हैं, 5 में से 1 घटाते हैं 4, और 9 में से 4 घटाते हैं 5, है समझ में। अब आप लोग इधर देखिए, यहाँ आपको दोनों संख्या 9 से बनी हुई है, 9 अंक से, तो आपको सबसे पहले छोटी संख्या में से घटा देना है, ताकि सरल सवाल बन जाए। वैसे बड़ी में से भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको छोटी संख्या में से घटा के दे रहा हूँ, 9 में से 1 घटा दो, क्या बचा, 8। 9 में से 1 घटाया तो क्या बचा, 8, और वो 99 में से घटा दीजिए 8 को, और आपका उत्तर हो गया 9 में से 1 घटाया 8, और यहाँ पे हमारे पास 99 में से 8 घटाना है तो 1, तो ये आपका 891। इस तरह से आशा करता हूँ इसमें आपको समझ में। इसमें एक सवाल हो रहा है, उसको भी ध्यान से देखें। जैसे इधर देखें, बहुत ही अच्छा सवाल, इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे 25 × 9 आ गया, 25 × 9, और दूसरा एक को लेता हूं मैं यहाँ पे,
125 गुना 99। ये दोनों सवाल आप ध्यान से देखेंगे, इसमें भी आपको यही देखना है कि 9 से बनी हुई संख्या है तब तो एक मिनियन विधि से होगा वरना नहीं होगा। तो इसमें 9 है इसमें 99, तो यहाँ सबसे पहले 25 में से एक कम करो, 25 में से एक कम करो, बचा क्या 24। उस 24 को 9 में से घटाना है, इस 9 को लिखो ऐसा कैसा, माइनस जो रिजल्ट यहाँ आया है वो यहाँ माइनस लगा के। इसी तरह से इसमें देखते हैं 125 में से एक घटाओ, उसके बाद में 124 बच गया, वो 99 माइनस 124 कर दो। यहाँ ध्यान से देखना, 25 में से एक घटाया 24। अब आप लोगों को यहाँ देखना, 9 में से 24 नहीं घटता है, माइनस का नहीं लाए, 9 में से 24 नहीं घटता है, तो आप इस डायरेक्ट 9 को यहाँ ले आए, इस 9 को डायरेक्ट इस जो इसका रिजल्ट आया था उसके पास ले आए, माइनस 24 कर दें, अब घटा सकते हैं आप, तो आपका उत्तर आ जाएगा 9 में से 4 घटाया तो 5 बच गया, 4 में से 2 घटाया 2 बच गया 225, ये आपका गुणनफल। इसी तरह से इसको देखिए 125 में से घटाया 124, इसी तरह से 99 में से 124 नहीं घटता है तो आप डायरेक्ट 99 यहाँ लिख दें और माइनस के 124 लगा दें, फिर इस तरह से हल कर सकते हैं। 9 में से 4 घटाया 5, 9 में से 2 घटाया 7, 4 में से 1 घटाया 3 और ये 12 ऐसा गैसा। इस तरह से आशा करता हूँ कि आपके ये दोनों विधियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हाँ तो बच्चों, आज का होमवर्क है 9th क्लास के लिए, ये 2 प्रश्न, इसके अंदर 4 प्रश्न है, एकाधिकेन पूर्णवेण विधि से 4 गुना करना है, नोट करें अच्छी तरह से, और एक न्यूनेन पूर्णवेण विधि द्वारा गुना कीजिए, इसमें आप लोगों की 6 प्रश्न है, आप ध्यान से इनको नोट करें और अपने फिर नोटबुक में कर लेंगे।